जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपको बाल विकास के एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। इन तथ्यों को अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपके अंतर्गत आ जाएगा और बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो आपके क्लियर भी हो जाएंगे। तो ये पूरा वीडियो जरूर देखें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, और जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। चलिए तो देखते हैं एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं जिनको जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आपसे पता होनी चाहिए कि शिक्षा है तो शिक्षा क्या है? जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है, सभी को पता है और पता भी होनी चाहिए। अगला देखो, शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु क्या है? तो बिल्कुल जीरो लेवल से यहां से हम पढ़ रहे हैं कि शिक्षण शिक्षा क्या है, शिक्षा शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु क्या है वो है छात्र। अगर ये आपने पूरे के पूरे वीडियो देख लिए तो ये मान के चलो कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप बिल्कुल प्रश्न जो है गलत करके नहीं आएंगे। तो शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु है तो क्या है? छात्र है, सभी को पता है। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, या सहविद्या या विमुक्तये। ये जो कथन है वो किसका है? वो शंकराचार्य का है। शंकराचार्य याद रख लेना, ये शंकराचार्य जी का कथन है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, ये किसने कहा है? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। ठीक है, शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है, ये किसने कहा है? तो ये कहा सुकरात ने। शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है, ये सुकरात महोदय ने कहा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है, निर्माण जो है करना ही शिक्षा है, ये कहा है अरस्तु साहब ने। ठीक है, शिक्षा के बारे में तो एजुकेशन को ई प्लस डुको का संयोग कहा गया। तो ई का अर्थ जो है वो क्या है? भीतर से। और डुको का अर्थ होता है साहब बाहर निकालना, यानी कि भीतर से बाहर निकालना। ठीक है, इसके बारे में भी याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा एजुकेशन किन शब्दों से मिलकर बना है, तब आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, साइकी का अर्थ क्या होता है? तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा। साइकोलॉजी शाब्दिक अर्थ होता है तो आत्मा का ज्ञान। ठीक है, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, कहाँ पर उल्लेख किया गया है? तो विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, ये उल्लेख किया गया है यजुर्वेद में। शिक्षा कैसा विज्ञान है? शिक्षा नियामक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? नियामक। मनोविज्ञान की प्रकृति होती है तो वो होती है वैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञान की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? वैज्ञानिक होती है। किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? तो जेम्स के अनुसार है ना, जेम्स के अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि, जैसे शिक्षा के तीन स्तंभ हैं तो शिक्षा के तीन स्तंभ कौन कौन से हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। यहां से आपका क्वेश्चन बनते हैं कई प्रकार के। तो जो है ना, देखो शिक्षक जो होता है शिक्षण प्रक्रिया में वो स्वतंत्र चर होता है, शिक्षार्थी आश्रित चर माना जाता है, और पाठ्यक्रम जो होता है वो मध्यस्थ चर माना जाता है। तो ये चीज आपको यहां से याद रखनी है। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा स्वतंत्र चर है, तो आपको पता होनी चाहिए शिक्षक। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सा आश्रित चर है, तो शिक्षार्थी। कौन सा मध्यस्थ चर है, तो पाठ्यक्रम। ठीक है, उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के तीन क्षेत्र हैं, शिक्षार्थी, शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण दशाएं। ये जो है तीन क्षेत्र हैं। मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली जो विधि है वो कौन सी विधि है? निरीक्षण विधि। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक जो प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है, तब आपको पता होनी चाहिए निरीक्षण विधि है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां देखो यहां पर, ये शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां दी हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि और विवरणात्मक विधि है ना, ये शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां हैं। अब निरीक्षण विधि को दो भागों में बांटा गया, एक तो अंतरदर्शन विधि और एक बहिर्दर्शन विधि। ठीक है ना। अब यहां पर विवरणात्मक विधि को भागों में बांटा गया, तो जीवन इतिहास विधि और विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, नैदानिक विधि
और सर्वेक्षण विधि, ये विवरणात्मक विधियों को बांटा गया, तो एक दो तीन चार और पांच भागों में बांटा गया, इनको याद रख लेना है। निरीक्षण विधि को दो भागों में, अंतरदर्शन विधि और बाह्यदर्शन विधि, ये दो भागों में बांटा गया, ठीक है। और देख लेते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, ठीक है। ये अध्यापक को इसलिए करना चाहिए। शिक्षण क्या है? शिक्षण ज्ञान अर्जन है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मन का विज्ञान। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो ए मॉर्गन का है। इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। किसने कहा? मॉर्गन साहब ने। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो मानव व्यवहार और शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है? तो मनोविज्ञान से तात्पर्य व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। कथन किसका है? तो यह मैकडूगल साहब का है। इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। मैकडूगल, अगर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल प्रवृत्तियां दी हैं तो किसने दी हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मैकडूगल ने, ठीक है। तो याद रख लेना, शिक्षा मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है? बालकों के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने तथा शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता होती है। शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है तो क्या है? बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता, ये शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। कथन है किसका? स्किनर महोदय का। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है, ये स्किनर साहब का कथन है। मनोविज्ञान है तो क्या है? मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। निरीक्षण विधि में किया जाता है तो दूसरों का अध्ययन किया जाता है, याद रख लेना, निरीक्षण विधि में दूसरों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु है तो क्या है? व्यवहार। मनोविज्ञान की उचित वस्तु क्या है? व्यवहार। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, कथन है स्किनर का। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान, ये कथन किसका है? स्किनर महोदय। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है तो क्या है? वालक। शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, द्विध्रुवी कहा एडम्स ने। किसने? एडम्स ने कहा है द्विध्रुवीय। शिक्षा के तीन ध्रुव कौन कौन से? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये शिक्षा के तीन ध्रुव माने जाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है, स्वतंत्र चर, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, ये इस प्रकार से तीन ध्रुव होते हैं शिक्षा के। शिक्षा को त्रिध्रुवी मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी किस देश के निवासी थे? त्रिध्रुवी माना है इन्होंने, अमेरिका। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षा को त्रिध्रुवी किसने माना है, तो उत्तर होगा जॉन डीवी, है ना। या जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के कितने ध्रुव हैं? तब आपका उत्तर होगा तीन, है ना। और ये कहाँ के विद्वान है? तो अमेरिका के हैं। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है तो क्या है? संपूर्ण शिक्षण प्रणाली का सतत मूल्यांकन, ये जो है शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है। वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य था तो क्या था? मोक्ष की प्राप्ति। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? तो उपनयन संस्कार से होता था। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार से होता था और समावर्तन के समकक्ष जो संस्कार है वो उपसंपदा संस्कार है। मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी तो मकतब में, कहां पर दी जाती थी? मकतब। अगला है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध हमें पढ़ना है। सामान्यतः विकास की पांच अवस्थाएं होती हैं, कितनी? पांच। गर्भाधान अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इस प्रकार की होती है। गर्भाधान का जो समय माना जाता है वो जन्म से, गर्भ से जो है जन्म, यानी कि 9 माह 10 दिन, ये गर्भाधान की अवस्था मानी जाती है। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद, ठीक है। तो ये अवस्थाएं आपको पता चल गई, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। और एक क्वेश्चन आपका कहाँ से बनता है कि निम्न में से जो है अवस्थाओं को क्रमबद्ध कीजिए, तब आपको पता होनी चाहिए गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरा और प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ से आपको हर तरीके से तैयार रहना है। अगला, मनोवैज्ञानिक ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को तीन भागों में बांटा है। मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को जो बांटा है, अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि शैक्षिक दृष्टि से
बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया, तब आपका उत्तर होगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, यानी कि ये तीन भागों में बांटा गया है शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को। ठीक है, ये याद रख लेना है। समाजीकरण प्रक्रिया की प्रारंभ होने की अवस्था कौन सी है, तो शैशवावस्था। ये चीजें आपको याद रख लेनी छोटी छोटी, जहां से आपके उत्तर बनेंगे। समाजीकरण जो प्रारंभ होता है बालक में, वो कहां से होता है, शैशवावस्था से होता है। एक नवजात शिशु का कद ऊंचाई होती है तो कितनी होती है, 19.5 इंच होती है। ठीक है, एक नवजात शिशु का भार होता है तो 7.5 पौंड होता है। ठीक है, कहीं कहीं 8 दिया रहता है, लेकिन औसत जो होता है 7.5 पौंड। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है, तो वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है, ये चीज याद रखनी है। सबसे तेज शारीरिक विकास होता है तो कहाँ होता है, शैशवावस्था में होता है, सबसे शारीरिक तेज विकास होता है। विकास की प्रक्रिया होती है तो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक ये जो है विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। शैशवावस्था में विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, तीव्र होती है। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जन्म से किशोरावस्था तक बाल मनोविज्ञान। व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है तो कहाँ पड़ती है, बचपन में। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं। शैशवावस्था में कितने संवेग होते हैं, अगर आपसे कभी पूछा जाए तब आपको पता होनी चाहिए, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। ये शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं। 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है, किसका विचार है, ये थांडाइक महोदय का विचार है कि जब 3 से 6 वर्ष का बच्चा होता है तो वो अर्ध स्वप्नों में रहता है, यानी कि थांडाइक इसका सही हो जाएगा। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, कहा है तो किसने कहा, एडलर ने कहा है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, ये कहा एडलर महोदय ने। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, एक कथन किसका है, तो एक कथन सिगमंड फ्रायड साहब का है ना। शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है निर्माण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निर्माण काल। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग होती है तो 270 होती है। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, तो दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति होती है शैशवावस्था में। ठीक है, और फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। शैशवावस्था फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो इलेक्ट्रा ग्रंथि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो ओडिपस ग्रंथि, है ना, लड़कों में पाई जाती है ओडिपस ग्रंथि, लड़कियों में पाई जाती है इलेक्ट्रा ग्रंथि। ठीक है, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई होती है 51.5 सेंटीमीटर। नवजात शिशु का जो भार होता है वो कितना होता है, लगभग 3.2 किलोग्राम, ये नवजात शिशु का भार होता है। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं, तो 1 वर्ष में निकल जाते हैं। स्वप्रेम की भावना का विकास होता है तो शैशवावस्था में। ठीक है, शैशवावस्था में आपका सही हो जाएगा। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है तो कैसी रहती है, अनियमित रहती है। ये सारी की सारी छोटी छोटी चीजें आपको जाननी है। अगला क्वेश्चन, हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व, ये तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व हड्डियों में पाए जाते हैं। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है, तो वो करने लगता है 3 वर्ष। 3 वर्ष का जो बच्चा है वो सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है ना। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है तो जन्म या प्रसव के पूर्व से हो जाती है। जन्म के समय बालक बालिका से लगभग 1 या 2 सेंटीमीटर लंबा होता है, जन्म के समय बालक बालिका से। ठीक है, किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं, तो जन्म से पूर्व हो जाते हैं दांत बनना शुरू। शैशव काल का नियत समय है तो जन्म से 5-6 वर्ष तक, ये शैशव काल का नियत समय माना जाता है। स्वकेंद्रित अवस्था होती है तो वो होती है शैशवावस्था, ये स्वकेंद्रित अवस्था मानी जाती है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया तो किसने किया, फ्रॉबेल महोदय ने किया। भूख और प्यास है तो भूख और प्यास क्या है, ये जन्मजात प्रेरक माने जाते हैं, भूख और प्यास। बालक की प्रथम पाठशाला है तो परिवार, बालक की प्रथम पाठशाला है। गर्भ में बालक को विकसित होने में दिन लगते हैं तो 280 दिन लगते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने के लिए 280 दिन। वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है तो क्या कहा गया है, समावेशी शिक्षा। निःशुल्क जो बच्चों के लिए शिक्षा दी जा रही है उसे कहा गया है समावेशी शिक्षा, ये याद रखना है। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता मिस हेलेन पार्कहर्स्ट मार जाते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम में आनुवांशिक लक्षण आते हैं तो कैसे आते हैं, तो वो आते हैं 1/2 पितापक्ष,
प्लस 1/2 माता पक्ष है ना, तो वंशानुक्रम में अनुवांशिक लक्षण आते हैं। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है तो कौन सी है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, यानी कि मूल प्रवृत्तियों के आधार पर एक बालक जो है शैशवावस्था में क्या करता है, व्यवहार करता है, तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार ये जो है मनोवैज्ञानिक विशेषता इसकी मानी जाती है। कैलीकॉक परिवार का अध्ययन किसने किया है, तो गोडार्ड ने किया है। किसने, कैलीकॉक परिवार का अध्ययन किया गोडार्ड ने। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है तो 7 से 11 वर्ष होता है। मूर्त संक्रियात्मक जो प्याजे साहब ने जो है विकास की अवस्थाएं दी हैं उनमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और उन्होंने 7 से 11 वर्ष की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए, तो 5 वर्ष में भेजना चाहिए। दूध के दांत होते हैं तो कितने होते हैं, 20। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं, तो 9 से 15 माह के मध्य ध्वनि उच्चारण जो है शुरू करते हैं सामान्य बालक, तो आपको याद रख लेना। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। शैशवावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है उत्तेजनापूर्ण, कैसा होता है, उत्तेजनापूर्ण। बाल्यावस्था की आयु होती है 6 से 12 वर्ष, है ना, ये याद रख लेना है। और एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज कहा जाता है तो 6 वर्ष। समूह की आयु होती है बाल्यावस्था, चुस्ती की आयु होती है बाल्यावस्था, गंदी आयु होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है रॉस महोदय ने। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनुकाल कहा है कोल और ब्रूस ने। बाल्यावस्था में बालक होता है तो बाह केंद्रित होता है, कैसा होता है, बाह केंद्रित, ये चीज भी हमें याद रखनी है। अगला है साथियों, संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है बाल्यावस्था में, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है तो कौन सी होती है, बाल्यावस्था होती है। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है बाल्यावस्था। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि है तो मॉन्टेसरी शिक्षण विधि है, क्रिया और खेल पर आधारित है। बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति होनी चाहिए तो सामूहिक होनी चाहिए। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है तो वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था मानी जाती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है तो समवयस्क समलिंगियों से, ठीक है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता कौन सी है, तो सामूहिकता की भावना बाल्यावस्था में, ये मनोवैज्ञानिक विशेषता है। उसे टोली की आयु, समूह की आयु भी कहा जाता है। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। बाल्यावस्था में सामान्यतः जो बालक का व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, ठीक है। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होनी चाहिए, तो क्या स्वरूप होना चाहिए, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के लिए माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता अधिगम की तीव्रता, अधिगम की तीव्रता अपेक्षाकृत स्थिर, विकास क्रम, विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये बाल्यावस्था की जो है प्रमुख विशेषता है। बालिकाओं का विकास बालकों से आगे रहता है तो वो किस अवस्था में रहता है, बाल्यावस्था में रहता है, ये चीज भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों का विकास होता है तो 16 वर्ष तक होता है। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु होती है तो उसे कहा जाता है किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था होती है 12 से 16 वर्ष तक, ठीक है। उत्तर किशोरावस्था होती है 17 से 19 वर्ष। और किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है, स्टैनली हॉल ने कहा है। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र गति, तीव्र विकास का काल है तो पूर्व किशोरावस्था, ये अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है। किशोरावस्था में संवेग प्राय होते हैं तो अधिक उग्र होते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, तो जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा किशोर की वर्तमान की शक्ति और भावी, नहीं मतलब जो है किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होनी चाहिए, तो जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा, ये उद्देश्य होना चाहिए। किशोर की वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है तो इसे किसने कहा है, क्रो और क्रो कह रहे हैं कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ई ए किलपैट्रिक ने कहा है। किसने, ई ए किलपैट्रिक साहब ने। किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो एडोलसेंस कहते हैं। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है, तो पूर्णता को प्राप्त होता है किशोरावस्था में। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास जो होता है वो किशोरावस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं, तो संवेगात्मक विकास में जो तीव्र परिवर्तन होते हैं वो होते किशोरावस्था में, है ना। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है,
तो सामाजिक व्यवस्था में जो परिपक्वता आती है दोस्तों, वो आती है किशोरावस्था में। ये चीज आपको याद रखनी है। यहां पर देखेंगे हम दोस्तों किशोरावस्था कठिन काल के रूप में। तो देखो समायोजन में असमर्थ होते किशोरावस्था में जो बालक होता है या बालिका, वो समायोजन में असमर्थता व्यक्त करती हैं। संवेगात्मक जो है अपरिपक्वता होती है। यौन आकर्षण कामुकता, निषेधात्मक व्यवहार, अध्ययन में अरुचि, बहिर्गामी प्रवृत्ति, मूल्यों आदर्शों में संघर्ष है ना देखने को मिलता है। पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति है, उदासीनता रहती है इसमें, देवास्वप्न रहता है, स्वच्छंदता नियंत्रण अनुशासन से जो है मुक्ति। तो एक किशोरावस्था जिसे कि कठिन काल कहा जाता है, ये सारी के सारे जो है इसमें लक्षण होते हैं कि निषेधात्मक व्यवहार रहता, अध्ययन में अरुचि रहती है, समायोजन में असमर्थता होती है, यौन आकर्षण कामुकता होती है। तो ये सारी की सारी किशोरावस्था की जो है विशेषताएं मानी जाती हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला जो एक शब्द है वो शब्द है परिवर्तन। किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है, तो परिवर्तन है। किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है, तो ये अस्थिरता की अवस्था मानी जाती है। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है, तो पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। एडोलसेंस किसकी रचना है, तो जी एस हॉल साहब की है एडोलसेंस। किशोरावस्था में जो शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, ये कथन किसका है, तो G.S. Hall का है। किसका, G.S. Hall साहब का। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, तो किशोरावस्था में। स्टैनली हॉल कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को चार शब्द तत्व के रूप में परिभाषित किया है, एक तो संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था। किसने, स्टैनली हॉल साहब ने। किशोरावस्था की जो प्रमुख विशेषता नहीं है, तो वो संचय की प्रवृत्ति नहीं है, है ना, संचय की प्रवृत्ति है बाल्यावस्था की, तो ये चीज याद रखनी है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है, तो संवेगों का आधिक्य है, कल्पना की बहुलता है, मानसिक विकास है, ये किशोरावस्था की विशेषताएं मानी जाती हैं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, है ना। संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। किस अवस्था में आवेगों की तीव्र स्थिति उत्पन्न होती है, तो आवेगों की तीव्र स्थिति उत्पन्न होती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगता है, तो विषम लिंगी में, काय में, विषम लिंगी में रुचि लेने लगता है किशोरावस्था में। बालक वास्तविक जगत में आ जाता है, तो किशोरावस्था के बाद। शक्तियों तथा संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होना, ये मानसिक विकास है। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, ये पाठ्यक्रम का अर्थ माना जाता है। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है, जिससे वह अपने छात्र को अपने कला कक्ष में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है, ये कथन कनिंघम महोदय के अनुसार है, कनिंघम ने ये कहा है, ये चीज याद रखनी है। अगला है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है, तो कब चाहता है, किशोरावस्था में। बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व तो शिक्षक एवं बालक दोनों पर है, ठीक है। सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होता है तो संतुलित होता है, जब किशोर में अपनी वस्तु समस्या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इसे कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास। जब किशोर में किसी वस्तु समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इसे संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। क्या कहा जाता है, विकास। शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है, तो कब होने लगता है, एक वर्ष में। शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है, तो एक वर्ष में होने लगता है। सामाजिक विकास के संदर्भ में कथन सही नहीं है, तो बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया, ये सही नहीं माना जाता, ठीक है। गर्भावस्था के संदर्भ में कथन सही नहीं है, तो गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है, ये कथन सही नहीं माना जाएगा इसमें। विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है, तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है, इस कथन का संबंध खालिस्तान मनोवैज्ञानिक से है, तो हरलॉक महोदय से है। इन्होंने कहा कि एक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है ना, और ये गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार संबंधित है,
तो यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। वह अवस्था जिसमें बच्चे अपने समवयस्क के समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं वो अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था है। क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि वह अवस्था जिसमें बच्चे अपने समवयस्क के समूह के सदस्य हो जाते हैं वो किशोरावस्था कहलाती है। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। विकास का अर्थ है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है। यह अवस्था है 7 से 11 वर्ष। बचपन की सांप्रत्यक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। एक सामान्य 12 वर्ष के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है तो समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, ये होना जो है अधिक संभव है। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था है तो क्या है? मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था है किशोरावस्था। वह अवस्था जिसमें शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है तो वो है बाल्यावस्था। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है तो क्या नहीं है? चिंतन प्रक्रिया, ये शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो स्किनर ने कहा कि जो विकास है एक सतत और धीमी प्रक्रिया मानी जाती है। बाल्यावस्था अवस्था होती है तो 12 वर्ष तक। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है तो अधिगम एवं वृद्धि, ये व्यक्तित्व विकास की अवस्था मानी जाती है। विकास और वृद्धि से तात्पर्य है तो आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, ये जो है विकास और वृद्धि में से तात्पर्य है। परिपक्वता का संबंध होता है तो किससे होता है? विकास से होता है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो हमें जानना है, छोटे छोटे प्रश्नों को जानना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से जितने जितने भी छोटे छोटे प्रश्न थे उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की हमने, है ना। और ऐसे ही आपके कई प्रश्न आने वाले हैं जो कि आपको छोटी छोटी बातों के माध्यम से आपको पता चलनी चाहिए, बारीक से बारीक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे आपके एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जिसको मिस मत करना। सारे के सारे अगर आपने पढ़ लिए तो बाल विकास में आपका बहुत ही अच्छा जो है स्कोर होगा और बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी करना है दोस्तों। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।